आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा प्रभा में। और बेटा इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट की मॉर्निंग शिफ्ट की मार्किंग स्कीम को, जिसको हम आंसर की या फिर एक तरह से पेपर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे, जिससे कि सही से आप मिलान कर सकें अपने सही आंसर्स का। आज मॉर्निंग में आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसकी आंसर की है ये खंड आ वस्तुपरक प्रश्न के आंसर यहाँ पर आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अधिकतर जो पेपर था छोटा ही पेपर था बेटा आप लोगों का, तो आसान भी था पेपर। वन वर्डेड आंसर, ऑप्शनल वाले आंसर ज़्यादा थे। आशा करती हूँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इसी के साथ बेटा शिक्षा प्रभा पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली वीडियो आप शिक्षा प्रभा की देख रहे हैं, या आपने अभी तक शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह से अपने बाकी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन आंसर की मार्किंग स्कीम, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE पेपर और बाकी रिजल्ट्स, डेट शीट, प्रैक्टिकल, ये सारी अपडेट लेते रहने के लिए शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बेटा आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और इसी के साथ ही साथ वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास ग्रुप में। प्रश्न 5, पठित गद्यांश, विकल्प का चयन करना था। इसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। आइए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। खंड बा बेटा आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। वर्णात्मक प्रश्नों के संभावित उत्तर संकेत। जैसे अब यहाँ पे प्रश्न 11 है, काव्यांश की व्याख्या करनी थी सप्रसंग, तो उसको 6 नंबर को डिवाइड किया गया है। संदर्भ और प्रसंग के लिए 2 नंबर, व्याख्या के लिए 2, विशेष और भाषा का अगर आप लोग अधिक महत्व देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो 2 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। मार्किंग स्कीम से हमें ये भी पता चलता है कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिख रहे हैं, तो हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरह अब हिंदी में भी है ना, कि उस चीज़ को ऐसे डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ पे प्रश्न 11 में भी आप देख रहे हैं, गाद्यांश सर्वप्रसंग व्याख्या में भी 2-2 नंबर करके बांटे गए हैं 3 पार्ट्स में। तो बेटा ये था आपका पेपर, बहुत आसान आया था ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसा आपका पेपर गया है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इन 3 चीज़ों को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।